प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के कुछ महीनों में ही अभूतपूर्व विकास करवाया है, ये कहना है नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया का। उन्होंने कहा कि ये विकास न केवल प्रदेश में बल्कि नूरपुर में भी देखने को मिल रहा है, जहां कुछ ही समय में इस सरकार ने कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। इसमें 206 करोड़ के फिन्ना सिंह प्रोजेक्ट को, जो कि पिछली सरकार में मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया था, उसे तुरंत 5 करोड़ की राशि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान करने पर इस प्रोजेक्ट में नई जान आ गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से इस साल इस प्रोजेक्ट पर लगभग 76 करोड़ रुपए खर्च का ऐलान भी किया गया है, जिसमें लगभग ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने नूरपुर के सिविल अस्पताल को 200 बिस्तर की मंजूरी, जसूर में 200 दुकानों के साथ बनने वाले आधुनिक बस स्टैंड की मंजूरी, इको पार्क की मंजूरी, स्वदा में पुलिस पोस्ट खोलने की मंजूरी जैसी सौगातें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान पानी के समस्या पर है, जो न केवल नूरपुर बल्कि पूरे प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, जिसके अनुसार इस समस्या से क्षेत्रवासियों को स्थायी रूप से निजात मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है और 5 वर्ष के कार्यकाल में वे नूरपुर को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे। देखो, नूरपुर में अपने आप में कई इतिहास लिखे गए पिछले साल, और एक प्लेटफॉर्म बन गया, एक नए विकास का एक मापदंड यहाँ पे तय होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन 100 दिनों में जो हमने एक रोड मैप बना लिया, उसके माध्यम से हम प्रदेश में आने वाले दिनों में और आने वाले महीनों में एक विकास का नया एक इतिहास और एक लोगों के लिए काम समस्याओं से उनको राहत देने के लिए एक परियोजना जो हमने बनाई, उसमें हम कामयाब होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जयराम जी की अध्यक्षता में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में इस वक्त विराजमान है, ये अच्छे दिन हिमाचल के लिए लाएगी, नूरपुर के लिए लाएगी। नूरपुर में तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा हुई है, 200 बेड का हॉस्पिटल आ गया, पुलिस स्टेशन अपग्रेड हो गया, आपका जो है बस स्टैंड नया बनने का शुरू हो गया, बहुत से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मैं विस्तार से इसमें नहीं जाना चाहूंगा, पर एक अच्छी भूमिका और अच्छी शुरुआत नूरपुर को मिल गई, और 100 दिन से लोगों में एक विश्वास आ गया कि अब आने वाले दिनों में लोगों के काम, खास करके जो पीने के पानी की समस्या है, बहुत गंभीर समस्या इन गर्मी में हमारे सामने खड़ी है, उसको हम टैकल कर रहे हैं। और उसका हमने एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी बनाया कि किस तरीके से हम नूरपुर में आने वाले दिनों में पानी की समस्या का समाधान कर सकते। देखो, नूरपुर में अपने आप में कई इतिहास लिखे गए पिछले साल, और एक प्लेटफॉर्म बन गया, एक नए विकास का एक मापदंड यहाँ पे तय होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन 100 दिनों में जो हमने एक रोड मैप बना लिया, उसके माध्यम से हम प्रदेश में आने वाले दिनों में और आने वाले महीनों में एक विकास का नया एक इतिहास और एक लोगों के लिए काम समस्याओं से उनको राहत देने के लिए एक परियोजना जो हमने बनाई, उसमें हम कामयाब होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जयराम जी की अध्यक्षता में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में इस वक्त विराजमान है, ये अच्छे दिन हिमाचल के लिए लाएगी, नूरपुर के लिए लाएगी। नूरपुर में तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा हुई है, 200 बेड का हॉस्पिटल आ गया, पुलिस स्टेशन अपग्रेड हो गया, आपका जो है बस स्टैंड नया बनने का शुरू हो गया, बहुत से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मैं विस्तार से इसमें नहीं जाना चाहूंगा, पर एक अच्छी भूमिका और अच्छी शुरुआत नूरपुर को मिल गई, और 100 दिन से लोगों में एक विश्वास आ गया कि अब आने वाले दिनों में लोगों के काम, खास करके जो पीने के पानी की समस्या है, बहुत गंभीर समस्या इन गर्मी में हमारे सामने खड़ी है, उसको हम टैकल कर रहे हैं। और उसका हमने एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी बनाया कि किस तरीके से हम नूरपुर में आने वाले दिनों में पानी की समस्या का समाधान कर सकते हैं।